हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं जा रहा हूँ गागरोन किला। हेलो फ्रेंड्स, ये है गागरोन का किला। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले से 13 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में गागरोन किले को शामिल किया था। गागरोन किला लगभग 350 फीट लंबा है। गागरोन का किला दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। गागरोन किले का टिकट 50 रुपये का है। गागरोन किले में आने का टाइम सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का है। इतिहासकारों की माने तो इस किले का निर्माण 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक चला था। इस किले का निर्माण राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। ये किला बिना नींव के बना हुआ है। किले को अच्छे से घूमने के लिए आपको 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। इस किले के लिए अब तक 14 से भी ज़्यादा बार युद्ध हो चुके हैं। पहले इस किले का उपयोग दुश्मनों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि गागरोन किले पर अब तक 36 राजाओं ने राज किया हुआ है। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया था, लेकिन उस समय गागरोन किले के राजा जैत सिंह खिची ने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था। सन 1338 ईस्वी से 1368 तक राजा प्रताप राव सिंह ने गागरोन किले पर राज किया। बाद में वह राजा सन्यासी बन गए और महान संत पीपाजी के नाम से पहचाने गए। गुजरात में स्थित द्वारका में आज उनके नाम का मठ भी मौजूद है। गागरोन किले से कुछ ही दूरी पर संत पीपाजी का मंदिर भी स्थित है। गागरोन किला 3 परकोटे से सुरक्षित है। ज़्यादातर किले 2 परकोटे से सुरक्षित होते हैं। परकोटे का मतलब होता है मोटी और ऊंची दीवारें जो दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। कभी इस किले में बाणवे मंदिर हुआ करते थे और 100 साल का पंचांग भी यहीं बना था। यह 3 ओर से आहू और काली सिंध के पानी से घिरा हुआ है। अंधेरी बावड़ी।